हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है 1 अगस्त 2021 को, उसके सॉल्व पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। इस पेपर को मैंने अभी सॉल्व किया है, तो डिस्कस करते हैं इस पेपर को, जानते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या इनके सही आंसर हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको उसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस पेपर में दो पार्ट में आपका पेपर था। एक ये पार्ट जो भाग एक था, इसमें आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस 1 से 40 नंबर तक थे। पार्ट बी में आपका जो है कृषि के क्वेश्चंस थे, जो कि 41 से 120 तक थे। टाइम था इसके लिए 2 घंटे करने के लिए आपके पास, और पूर्णांक थे इसमें 300। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। इसमें 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो एक था आपका, वो था वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। इसका उत्तर था इंडोनेशिया। दोस्तों, ये पेपर का सेट वन है, तो आप अपना पेपर सेट जो है मैच कर सकते हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, ये क्वेश्चन मैथ का था, जिसमें क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेच कर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। इसका उत्तर होगा 50,000, ऑप्शन बी में सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जहरोंग। क्वेश्चन नंबर चार क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। इसका उत्तर है रायबरेली। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा। इसका उत्तर है उल्टा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स क्या है, इसमें जो है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें जो है आपको बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको ज्ञात करना है, एक ब्लैंक दिया हुआ है उसको आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पुलिकट झील, ये आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी में। क्वेश्चन नंबर एट जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका मैथ का है। क्वेश्चन क्या है, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो, तो उस दिन में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी। तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 285। क्वेश्चन नंबर नौ क्या है आपका, जून 2021 में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा भाड़ीधर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, मतलब आपका नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका पड़ता है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है आपका, 2 अंकों का योग 3 तथा वर्गों का योग 12 है, तो उनका गुणनफल बराबर है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। इसका उत्तर है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा जो समझौता हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, उससे संबंधित है संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आपका मकड़ी है ये कीट नहीं है। मकड़ी का जो ऑर्डर है ये बिलोंग करता है अरेकनिडा से, तो ये जो है कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसका उत्तर है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। क्वेश्चन क्या है, नोवाक जोकोविच एवं
स्टेफेनास सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस देशों से हैं? इसका उत्तर है सर्बिया और ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? इसे पूछा गया है नॉन सेलुलोइड फाइबर, इसका उत्तर हो जाएगा नाइलान। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है? लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, पहले जो है संख्या 2 थी, बट अब करंट अफेयर में ये संख्या जो है हटा दी गई है, अब जो है कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं है एंग्लो इंडियन के लिए, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? इसका उत्तर है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? इसका उत्तर है मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया? इसका उत्तर है प्रद्योत। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है रोजगार सृजन या जॉब क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है अम्बेडकर नगर अकबरपुर, ये जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, एक गज एक मीटर का 91% है, एक मीटर एक गज का कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 109.9%, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर है संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म आरंभ किया? इसका उत्तर है के एन नटराजन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या रहेगा? इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा सही, मतलब जो आपका सुरेश तेंदुलकर हैं ये संबंधित हैं गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से, जो आपके एनसी सक्सेना हैं इनका संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना के लिए, और जो आपके डॉक्टर आर हसीम हैं इनका संबंध है शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना के लिए, जो आपके अमर्त सेन जी हैं इनका संबंध है गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसे चुना गया है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जिले को चुना गया है। यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में होगा? इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसान कॉल सेंटर से पूछा गया है, इसका टोल फ्री नंबर होता है 1880-1551, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका? 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो प्रकाशित हुई है उसका नेम क्या है? उसका नेम है बिलीव, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो आपका रुहेलखंड है इसके संस्थापक शहादत खान नहीं थे, ये इसमें गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33, जो आपका दुग्ध ज्वर होता है मिल्क फीवर, ये आपका कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका पड़ता है मऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप के लिए जुड़ा है? इसका उत्तर है आय असमानता। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है मक्कार लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका?
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है अल्फा। जो कोविड 19 का अल्फा वेरिएंट है ये बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम से। जो आपका गामा वेरिएंट है बिलोंग करता है ब्राज़ील से। जो आपका बीटा वेरिएंट है बिलोंग करता है साउथ अफ्रीका से। जो आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये बिलोंग करता है इंडिया से। ये सभी कोविड 19 के वेरिएंट हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये आपके आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं काम। अब शुरू होता है पार्ट एग्रीकल्चर वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट CEC? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 42, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, मतलब जो आपका डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट आपका हो जाएगा 15:1, और जो आपका इनहिबिटरी है ये हो जाएगा आपका 13:3, जो आपका कम्प्लीमेंट्री है ये हो जाएगा आपका 9:7, जो आपका सप्लीमेंट्री है ये हो जाएगा 9:3:4, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? इसमें पूछा गया है आइसोलेशन डिस्टेंस जो है किसकी इसमें गलत दी हुई है। तो जो टमाटर होता है इसकी जो होती है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड ये होती है 20 मीटर, इसमें दिया हुआ 25 मीटर, तो ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है? इसमें पूछा गया है जो तम्बाकू होती है इसमें जो ऑपरेशन होते हैं उनका सिक्वेंस क्या है सही। तो सिक्वेंस होता है पहले आपका आता है जो है टॉपिंग, फिर आपका आता है डिसकरिंग, फिर आपका आता है प्राइमिंग। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका जो है इसमें मैच करना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, मतलब आपका जो ट्राइजिन्स होता है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। जो आपका बाईपायरिडियम है इसका संबंध झिल्ली के कार से है, इसका संबंध मेम्ब्रेन फंक्शन से है। जो आपका कार्बामेट है इसका संबंध न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण से है। जो आपका सल्फोनाइल यूरिएज है इसका संबंध कोशिका विभाजन से है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपका? गन्ने का तने का घसैला रोग मतलब ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन ये आपका माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में, तो इसमें आंसर में नई दिल्ली नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही नोन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49, बोल्टिंग जो है आपका गन्ने से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपका? इसमें ये क्वेश्चन स्टैटिक्स का है। जो आपका जेट टेस्ट होता है ये यूज होता है स्मॉल में, स्मॉल सैंपल में। जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये यूज होता है लार्ज सैंपल में। जो आपका एफ टेस्ट होता है इसको यूज करते हैं टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरियंस। जो आपका स्टूडेंट टी टेस्ट होता है इसको यूज करते हैं टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? पादप प्रजनन की निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका हो जाएगा क्रिएशन ऑफ वेरिएंस नंबर 1 पर होगा, फिर आपका होगा आके सिलेक्शन, फिर आपका होगा आके इवेलुएशन, फिर आपका होगा आके मल्टीप्लीकेशन, फिर आपका होगा आके डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है? इसका हो जाएगा उत्तर आपका किसानों की सेवा समिति। क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या है? HANPV इज यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, इसका हो जाएगा ग्राम पॉड बोरर। जो आपका HANPV होता है ये बायो कंट्रोल एजेंट है चिकपी का। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका NBAIR है ये कोयम्बटूर में, ये इसमें जो है मिसमैच है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपका? इसमें पूछा गया है बीमारी और उससे क्रॉप कौन से संबंधित है? तो जो ब्लैक रस्ट होता है ये आपका सबको पता है कि ब्लैक रस्ट आपका होता है व्हीट में, इसमें दिया हुआ है बार्ले, तो ऑप्शन बी जो है इसमें गलत मिसमैच है, ये मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 56,
इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियो एड, इसका हो जाएगा PAS पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये आपका आइडियो एड है। न्यूट्रीपोनिक्स क्या होता है, कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु जो वैरायटी है ये क्रॉस है दोस्तों सतना क्रॉस अल्फांसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा। कथन क्या दिया हुआ है, क्राई जीन्स स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है। कारण क्या है, क्राई जीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए, तो इसका हो जाएगा आपका दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। जो आपका रॉगिंग होता है ये कहाँ होता है, ये होता है आपका रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन द डिजायर्ड प्लांट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 62, मोल्डर डिजीज जो होता है व्हीट का ये होता है हेटेरोडेरा एवेन्यू से काज होता है, ये एक निमेटोड है। क्वेश्चन नंबर आपका 64, इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज राइट, मतलब आपका जो इसमें फील्ड कैपेसिटी है इसका हो जाएगा 0.33 बार, जो आपका PWP है इसका हो जाएगा 0.33 to 0.15 बार, जो आपका अवेलेबल वाटर है इसका हो जाएगा 15 बार, जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है इसका हो जाएगा 50 बार, मतलब आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है मिसमैच कौन सा है, तो जो बैंगन होता है ये मिसमैच है लाल सड़न से, जो गन्ना होता है उसमें होता है जेड डॉट डिजीज, इसमें बैंगन दिया हुआ इसलिए ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है इसमें। गैलेरिया मेलोनेल एक कीट है, ये कीट है मधुमक्खी का, हनी बीम का ये कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट pH 9 ऑफ अल्काली सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10^-5 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पौधे दिए गए हैं और पूछा गया उनका प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है, तो जो आपका इसमें ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, मतलब आपका जो है जो केला होता है इसका होता है शॉर्ट सकर से, ठीक है, और जो आपका अंगूर होता है ये होता है हार्डवुड कटिंग से, जो आपका चाय होता है ये आपका होता है रनर से, जो आपका स्ट्रॉबेरी होता है सॉरी जो आपका चाय होता है ये होता है सॉफ्टवुड कटिंग से, और जो आपका स्ट्रॉबेरी होता है ये होता है रनर से। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेनी क्रॉप्स बिकॉज इट इन्हेंस हेट्रोसिस, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बेबी कॉर्न की तुराई किस अवस्था में की जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिल्क निकलने के 2-3 दिन के बाद तुराई करते हैं बेबी कॉर्न में। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, तो सभी को पता होगा जो आपका बथुआ होता है चिनोपोडियम एल्बम ये खरपतवार खरीफ मौसम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर नहीं मिला है इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका, इसमें कुछ रोग दिए गए हैं और उनका उपचार पूछा गया है, तो जो आपका ऑप्शन डी होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, गेहूं का अनावत कंडुआ इसके लिए वीटावैक यूज करते हैं, मटर का चूड़िल आसिता इसके लिए सल्फेक्स को यूज करते हैं, सब्जियों में आद पता इसके लिए मृदा का सौरकरण करते हैं, खैरा के लिए यूज करते हैं जिंक सल्फेट को। एटिक इज द कंपोनेंट ऑफ, इसका हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है आपका, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से कहते हैं, इसे कहते हैं खादर और भांगर, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, लीची का व्यवसायिक प्रबंधन लीची का जो प्रोपोगेशन होता है ये करते हैं एयर लेयरिंग से, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, मतलब आपका फली फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी तय करने का आधार है। इसका हो जाएगा आपका उत्तर कुल उत्पादन लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है जिल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक डबल क्रॉस संकर किस्म है, अर्का सुप्रभात H4, ये आपकी डबल क्रॉस संकर किस्म है मैंगो की। क्वेश्चन नंबर 82, मृदा की लंबवत काट, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या है, धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग -- में निर्देशित किया जाना चाहिए। जो आपका राइस होता है, पैडी होता है, इसमें जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, ये करते हैं रिड्यूस जोन में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है आपका, इसमें पूछा गया है कि फल और उनकी किस्म के बारे में बताइए। तो जो केला होता है, इसकी किस्म है हरी छाल, आंवला की किस्म है हाथी जूल, सपोटा की किस्म है खीरा, बेर की किस्म है बंगलोर, मतलब आपका ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है आपका, इसमें टर्म और थ्योरी और नेम ऑफ साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है, मैच करना है। जेनेटिक्स को ब्रिटसन डब्ल्यू ने क्वाइंट किया था, ये टर्म दिया था, इससे संबंधित हैं ये। और आपका जो विरासत का सिद्धांत है, मतलब जो आपका थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। म्यूटेशन को दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, इनको बोलते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन। जीन इन दी क्रोमोसोम को दिया था मॉर्गन ने, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मक्का C4 पौधा है, क्रंच एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, तो इसमें आपका केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, मतलब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है, उस जल को कहते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रेनेज कोएफिशिएंट या जल निकास गुणांक। इसे आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, द रेट एक्सप्रेस्ड एज द डेप्थ इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर आउट फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एज ड्रेनेज कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा सही, मतलब आपका जो है जो आपका पिकनीडियम है, इसका संबंध फोमा स्पेसीज से है, और जो आपका एपिथीसिया, इसका संबंध है स्क्लेरोटिना स्पेसीज से, जो आपका एथरियुलस है, इसका संबंध है कोलेक्टोट्राइकम स्पेसीज से, जो आपका स्पोरोडियम है, इसका संबंध है फ्यूजरियम स्पेसीज से, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, 89 क्वेश्चन नंबर क्या है, नैनो न्यूट्रिएंट कहते हैं दोस्तों मॉलिब्डेनम को, फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं पोटेशियम के लिए, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर है, ये पड़ता है बीकानेर राजस्थान में, नेशनल सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी पड़ती है आपकी नागपुर महाराष्ट्र में। और इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, मिसमैच ढूंढना है आपको, तो जो आपका घरेलू मुखी होती है, ये जो कोलियोप्टेरा है, इससे बिलोंग नहीं करती है, ये बिलोंग करती है डिप्टेरा से, तो जो इसमें ऑप्शन ए है ये मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, सूक्ष्म जल संग्रह क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, इसका हो जाएगा 500 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी इज राइट। फल मक्खी जो आपकी होती है, ये जो कद्दू होता है, इसके जो है त्वचा के नीचे अंडे देती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है आपका, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मतलब जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1935 में, ठीक है, जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, जो आपका कोडेक्स एलिमिटेरियम कमीशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अनाक्षी श्वसन को जो है बोलते हैं अंतः आणविक श्वसन, इंट्रा मालिकुलर रेस्पायरेशन, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 98, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को रखते हैं एंटी शॉल में। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका, निम्न चुनायुक्त पदार्थों में से --- का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है, इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का मान सबसे अधिकतम होता है। फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु है,
बैक्टीरियम एथिटाई जो है ये लाभकारी जीवाणु है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है आपका, इसमें पूछा गया है रसायन और उनके कार्य क्या होते हैं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मतलब आपका जो है जो ए है उसका हो जाएगा 4, मतलब आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है ये होता है बीज को दीर्घायु करने के लिए, बीज की लॉन्गेविटी के लिए, सीड लॉन्गेविटी के लिए। और जो आपका बी है हो जाएगा 3, मतलब आपका 2,5-2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड इसको यूज करते हैं दोस्तों सीड वेबिलिटी के लिए। और जो आपका सी है इसका हो जाएगा 2, मतलब आपका जो होता है थायोरिया इसको यूज करते हैं सीड डॉर्मेंसी के लिए। जो आपका इंडोल एसिटिक एसिड है इसको यूज करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 102 है उसका क्या है, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा आपका MCPA। ये जो है जो ब्रॉडली फ्रीड होते हैं लेग्यूम में उनके लिए यूज करते हैं। और जो आपका 2,4-D होता है इसको यूज करते हैं सीरियल क्रॉप में या जो आपकी क्रॉप होती हैं ग्रेमिनी फैमिली की। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है। इसका हो जाएगा आपका लोमी सॉइल में जो है हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है आपका, डैश 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 हैज प्रोपाउंडेड दैट आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉब डाउलाग्स। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो आपका शुगर केन है ये ब्राउन प्लांट हॉपर जो है ये मिसमैच है। इसमें जो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ये राइस क्रॉप में लगता है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है आपका, इसका हो जाएगा आंसर सी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू हुआ था 1980 में, जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1993 में। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है आपका, अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है ये कथन है, इसका कारण क्या है। फास्फोरस का अम्लीय मृदा में विक्षारण हो जाता है, मतलब लीचिंग हो जाती है फास्फोरस की एसिडिक सॉइल में। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों कथन जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है आपका, राइसिनेस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, बस इसमें आपको अपना दिमाग लगाना था। जो आपकी मिर्च है, बैंगन और टमाटर हैं, तीनों जो है सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तीनों जो है सोलनेसी फैमिली के हैं। तो इनमें तो तीनों में जो है कॉमन होगा, तो इसमें तो होगा नहीं। जो फूल गोभी है ये जो है दूसरी फैमिली का है, इसलिए फूल गोभी में ही जो है ये डिजीज़ ये होता है डिसऑर्डर। तो इससे आप इसमें इसका आंसर जो है गेस कर सकते थे कि जो तीन हैं चिली भी ब्रिंजल और टमाटो ये सेम फैमिली के हैं सोलनेसी फैमिली के, तो इनमें तो होगा नहीं ये, इसलिए ये फूल गोभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है, मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड सही है। प्रजनक सीड जो होता है, प्रजनक बीज जो होता है जैसे बोलते हैं ब्रीडर सीड, इसमें गोल्डन येलो टैग यूज करते हैं, फाउंडेशन सीड में यूज करते हैं वाइट टैग, ये दोनों सही हैं इसमें, ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है आपका, इसमें ऑप्शन ए सही है, मतलब आपका जो इंडिकेटर क्रॉप है ये सनफ्लावर है, साइलेज क्रॉप बरसीम है, एवेन्यू क्रॉप अरहर है जिसे पिजन पी बोलते हैं, और वेयर क्रॉप है आपका पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुंचाने वाले सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग स्टेज है कौन सी है माहू की, एफिड की। तो ये आपका हो जाएगा प्रौढ़ और निम्फ, दोनों अवस्थाएं जो है हानिकारक होती हैं माहू की। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है आपका, इसमें उत्पाद दिए हुए हैं उनके प्रोटीन का नाम दिया हुआ है। जो अंडा होता है इसमें आपकी होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूध में होती है केसीन प्रोटीन, मिल्क में होती है मायोसिन, वूल में होती है आपकी कैरोटीन। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है आपका, निम्नलिखित पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मैक्सिमम जो है जो आपका सल्फर होता है किसमें पाया जाता है ये पूछा गया है। तो जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है इसमें सल्फर होता है 24%,
ये हाईएस्ट है। जो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है इसमें होता है 17%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता है 14%, जिप्सम में होता है 18.6%। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है आपका, जेंथियम के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथियम डिहाइड्रोजिनेज में डैश 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 तत्व पाया जाता है, इसका हो जाएगा मॉलिब्डेनम तत्व पाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा जिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, इसका हो जाएगा मक्का आलू गेहूं मूंग, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है आपका, इसमें फसल दी हुई है और उसका उत्पत्ति केंद्र पूछा गया है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। मतलब जो आपका ए है उसका हो जाएगा 3, लौकी का हो जाएगा अफ्रीका, बी का हो जाएगा ए मतलब आपका भिंडी का हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, जो आपका सी है इसका हो जाएगा बी मतलब आपका फूलगोभी का हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन, सॉरी सी का हो जाएगा आपका हिंद चीन, और जो आपका चौलाई है इसका हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। मतलब जो आपका फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है ये आपका हो जाएगा आईकॉर्निया, इमर्जेंट एक्वेटिक वीड आपका टाइपा है, मार्जिनल एक्वेटिक वीड आपका ड्रूमेक्स स्पेसीज है, एथलीट वीड आपका स्केरिपस है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर UPSC DHO का एग्ज़ाम का, जो आज ये एग्ज़ाम हुआ है 1 अगस्त 2021 को। दोस्तों मैंने काफ़ी इस पर हार्ड वर्क किया हुआ है इसको सॉल्व करने में, तो अगर आप सभी को मेरा ये हार्ड वर्क पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे भी खुशी मिल सके कि मैंने हार्ड वर्क किया तो आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। एग्रीकल्चर की कंपटीटिव एग्ज़ाम की सारी क्लासेस और इसका नोट्स सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप है एग्रीकल्चर एंड GK, इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको ICR, GRF, ASRB, NET और जो अदर कंपटीटिव एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर वाले, जैसे आपका NABARD ग्रेड ए हुआ, IBPS AFO हुआ, इन सब के मॉक टेस्ट और इनके कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको BSc AG का कंप्लीट नोट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कई ई बुक्स आपको मिल जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए, हिंदी में भी ई बुक्स हमने वहाँ पर प्रोवाइड कराई हैं। तो ये सब आप जो लाभ ले सकते हैं हमारे ऐप की मदद से, हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, उसे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।